हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको हिंदी बंगला वर्ल्ड चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर आया हूँ जो आर्मी का रिकॉर्ड निकला है, जो जोरहाट, तेजपुर और भी बहुत डिस्ट्रिक्ट के लिए है। फ्रेंड्स, मैं आपको अभी वो नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ जो आर्मी का नोटिफिकेशन आया है, इंडियन आर्मी रैली 2020। तो 10 डिस्ट्रिक्ट का नोटिफिकेशन है, मैं आपके सामने पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ, आप भी देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी का, जो ऑफिशियल वेबसाइट है, वो ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। उसके बाद जो पीडीएफ निकल के आ गया आपके सामने, मैं आपको वो पीडीएफ पढ़ के सुना रहा हूँ। फ्रेंड्स, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना लगेगा और मार्क हाइट वगैरह वो सब कितना लगेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो रिक्रूटमेंट निकला है जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का और तिनसुकिया का, ठीक है, मैं आपको अभी पढ़ के सुना रहा हूँ, अभी देख सकते हो। आर्मी रिक्रूटमेंट रैली विल बी हेल्ड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ 10 डिस्ट्रिक्ट ऑफ अपर असम, जोरहाट, मजुली, तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, गोलाघाट, शिवसागर, चेरादियो, जमाजी, नॉर्थ लक्ष्मीपुर एंड कार्बी आंग। कैंडिडेट विल बी स्क्रीनिंग फॉर फॉलोइंग कैटेगरीज एंड एज पर क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट मेंशन बिलो। कैटेगरी ए, सोल्जर जनरल ड्यूटी, 17 साल से 21 साल से बीच में होना चाहिए, और जो जन्म का नीति है वो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1998 से 1 अप्रैल 2002 से उसके बीच में होना चाहिए, और जो सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम 160 होना चाहिए, और वेट 48 kg मिनिमम होना चाहिए। और जो आपको साथ में राइट साइड में दिया है आपका क्वालिफाइड क्लास 10 मैट्रिक पास विथ 45% मार्क आपको होना चाहिए परसेंटेज में, और एवरेज आपका सब्जेक्ट में होना चाहिए 33%, ठीक है, तो भी आप एलिजिबिलिटी है इसकी अप्लाई करने में। उसके बाद आप सब इसी तरह भी देख सकते हो, साथ में क्वालिफिकेशन दिया है, ठीक है, और सोल्जर जनरल यो दिया है 10 पास, 17 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ साथ में दिया है आपका, सेंटीमीटर वही रहना चाहिए 160 मिनिमम होना चाहिए, क्लास 10 सिंपल पास होने से हो जाएगा, लेकिन आपका सब्जेक्ट में 33% मार्क जरूरी है। और सोल्जर ट्रेड्समैन क्लास 8 पास, 8 पास के बारे में बताया है, 17 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ वही सेम, 160 सेंटीमीटर वही सेम, और क्लास 8 सिंपल पास, फॉर सिंपल पास होने से भी होगा, लेकिन आपका क्या है ना, सब्जेक्ट में आपका 33% मिनिमम होना चाहिए। तो इसी तरह आपको मतलब आपका इंडक्शन अच्छी तरह से देख लेना है, और बाद में जो दिया और नंबर 4 में जो इंडक्शन दिया है वो आप अच्छी तरह से देख लीजिए। एडमिट कार्ड प्रिंटेड विद लेजर प्रिंटर ऑन गुड क्वालिटी पेपर, डू नॉट श्रिंक द साइज, ठीक है, आपको A4 पेपर में एडमिट कार्ड प्रिंट होना चाहिए, कलर में होना चाहिए, ठीक है। फोटोग्राफ 20 को भी साथ में लेके जाना होगा, अनअटेस्टेड पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ, ठीक है, वो आपको गुड क्वालिटी में होना चाहिए, और फोटोग्राफ का जो बैकग्राउंड है वो ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो मार्कशीट सर्टिफिकेट वो आपको ओरिजिनल साथ में लेके जाना होगा, आपको एक पैन कार्ड, कॉलेज आईडी, कोई भी एक आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना होगा, प्रोफेशनल ऑनलाइन एजुकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा अगर SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको वो एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद आप अपना पूरा का पूरा इंडक्शन देख सकते हो, मैं ये PDF फाइल इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको फ्रॉम 19 जनवरी 2019 टू 24 जनवरी 2019 यानी कि 19 जनवरी से ये फॉर्म स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड्स, अप्लाई कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप लाइव मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।